बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडियो और लेक्चर इज लेक्चर नंबर 15 एंड आवर डायरी इज वर्कबुक पेज नंबर 12 नेक्स्ट हाफ प्लस 13 यानी कि उस दिन हम लोगों ने वर्कबुक का जो पेज नंबर हमारा 12 है उसको फर्स्ट हाफ किया था। अब जो उसका बाकी का हिस्सा रह गया हम वो वाला करेंगे और साथ हम लोग आज करेंगे वर्कबुक का पेज नंबर 13। सो स्टार्ट करते हैं, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 12। सिक्स वाला है, टेस्ट ब्रदर हैज़ डिफरेंट मेडिसिन आफ्टर ऑपरेशन, कैन यू हेल्प हिम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, लेबल द गिवन इमेजेस यूजिंग द क्लूज। ये आपके पास क्लूज हैं और ये यहाँ पे जो पिक्स दे दी गई हैं यहाँ पे आप लोगों ने उनको लेबल करना है। फर्स्ट वन जो क्या है ये है ऑइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बैंडेजेस, ये है गॉज। अब ये क्या है, कैप्सूल्स हैं। ये क्या है, सॉफ्ट जेल टैबलेट्स, कफ सिरप, और ये क्या है, कैपलेट। सो इसी तरह से यहाँ से आप लोगों ने, ये आप लोगों को क्लूज दे दिए गए हैं, यहाँ से आप लोगों ने क्लूज को यूज़ करते हुए इसको लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग सेज अ डॉलर एंड 11 सेंट्स, दैट इज़ द एग्जैक्ट प्राइस फॉर अ मिरेकल फॉर योर लिटल ब्रदर, व्हाई डिड ही से दैट इट वॉज द एग्जैक्ट प्राइस। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने टेस्ट से कहा था कि एक डॉलर और 11 सेंट्स जो है वो एग्जैक्ट प्राइस है उस मुआवजे की जो कि उसके भाई को, जिसकी उसके भाई छोटे भाई को ज़रूरत है। लेकिन अब वो क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा था बिकॉज ही न्यू दैट टेस्ट हैड नो मोर मनी, क्योंकि वो जानते थे कि टेस्ट के पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। डू यू थिंक डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग रिटर्न्ड द $1.11 He took from test. Why do you think so? अब कह रहे हैं कि क्या आपका ख्याल है कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने उसको $1.11 जो है वो वापस कर दिए होंगे, या उन्होंने क्यों टेस्ट से लिए, ऐसा क्यों है ये? नो आई डिड नॉट थिंक सो, नहीं मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट द फेथ ऑफ द टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट के ईमान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते थे। कैन यू थिंक ऑफ 5 वर्ड्स ईच टू डिस्क्राइब टेस्ट एंड डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? टेस्ट के लिए कौन से वर्ड्स हैं जी? Resourceful, brave, selfless, honest, innocent. Dr. Armstrong, kind, caring, understanding, sincere, intelligent. So ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।